कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान पूरी दुनिया के साइंसदान अपनी अपनी तरफ से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस वायरस का तोड़ निकाला जाए। कुछ साइंसदान टीम बनाकर वैक्सीन और दवाइयां तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ साइंसदान इनफरादी तौर पर नई सोच के साथ नया तजुर्बा करने में लगे हुए हैं। इसी के तहत तुर्की के दो माहिरीन ने कोरोना से जंग के लिए एक बर्की मास्क तैयार किया है और उनका दावा है कि इससे सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि कई दूसरे वायरस भी तल्फ हो जाएंगे। अब सारी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर तारिक और एमरी अरसलान ने काफी मेहनत व मशक्कत के बाद ये बर्की मास्क तैयार किया है और उनका दावा है कि ये मास्क वायरस जरासिम और नए कोरोना वायरस का खात्मा करने में कामयाब है। उनका कहना है कि बर्की मास्क लगाने के बाद लोगों को साफ और वायरस से पाक हवा मिलती रहती है और एक मरतबा चार्ज करने के बाद मास्क 12 घंटे तक काम करता रहता है। बर्की मास्क तैयार करने से मुतालिक साइंसदानों का कहना है कि इस पर उन्होंने लॉकडाउन शुरू होने के बाद काम शुरू किया था और दिन रात की मेहनत के बाद उसका पहला नमूना यानी प्रोटोटाइप तैयार हो सका है। डॉक्टर तारिक का कहना है कि कोरोना वबा शुरू होते ही तुर्की में आवाम और खुद डॉक्टरों के लिए मास्क की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। इसी को देखते हुए उन्होंने खुद तहकीक करने का फैसला किया और मास्क बनाने की तैयारी शुरू की। इस मास्क के लिए बतौर खास अल्ट्रा वायलेट शुआओं का इंतजाम किया गया। डॉक्टर तारिक का कहना है कि हम जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट या बालाए बनफसी शुआएं कई तरह के जरासीम और वायरस को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए उसे बराह रास्त इंसानी जिल्द पर नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये जिल्द के लिए खतरनाक और कैंसर की वजह भी बन सकती है। उन्होंने मजीद बताया कि मास्क के अंदर बालाए बनफसी रोशनियां लगाई गई हैं और उसके अलावा चांदी की औराक भी लगाए गए हैं क्योंकि जरासीम को ख़त्म करने में चांदी की अफादियत भी मुसलमा है। इस तरह ये मास्क एक तरह का बर्की फिल्टर बन गया है जो वायरस को जिस्म में दाखिल होने से कबल ही मार डालता है। इस बर्की मास्क के ताल्लुक से एमरी अरसलान का कहना है कि 2 माह की मुसलसल मेहनत के बाद ये ईजाद मुमकिन हुई है। इस मास्क को पावर बैंक से भी चार्ज किया जा सकता है।